हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट टॉपिक को। अभी तक हम सेशन में डिस्कस करते आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो चैप्टर्स शेयर कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डील किया था, अभी लास्ट लेक्चर में डील किया था मेल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो ये टॉपिक्स जो हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से कवर कर चुके हैं, और आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है फीमेल पार्ट से, यानी कि हम बात करने वाले हैं कार्पल्स की, जिसका दूसरा नाम पिस्टल भी है। तो कार्पल या पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्मिक यानी कि फ्लावर के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कार्पल कहे जाते हैं। तो ये कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये कार्पल्स जो है वो फ्लावर में बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज रहते हैं, और इनके वर्ल को क्या कहा जाता है, इनके वर्ल को गाइनोशियम कहा जाता है। ये हम सबसे पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, गाइनोशियम इज द वर्ल ऑफ कार्पल विच रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। लेकिन इस गाइनोशियम में जो कार्पल्स होते हैं ना, वो एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि गाइनोशियम जो है इट कैन बी मोनोकार्पलरी, यानी कि फ्लावर जो है वो मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, मोनोकार्पलरी यानी कि विद सिंगल कार्पल, और मल्टीकार्पलरी भी हो सकता है, मल्टीकार्पेलरी यानी कि विद मल्टीपल कार्पल्स। तो दोनों तरह के अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ गाइनोशियम। तो सिंगल है तो वो तो अलग एस्पेक्ट रहा, बट मल्टीपल है तो मल्टीपल के केस में भी आपको अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन कौन से है, मल्टीकार्पेलरी में आप देख पाओगे या तो जो मल्टीपल कार्पल्स है वो सब फ्री है, एक दूसरे से अलग सेपरेटेड, जिसे एपोकार्पस अरेंजमेंट कहा जाता है। एपोकार्पस यानी कि वो अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास कार्पल्स जो है वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते किसी भी अरेंजमेंट में, सारे इंडिविजुअली थैलेमस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा सिनकार्पस अरेंजमेंट। सिनकार्पस यानी कि जिसमें हमारे पास जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड दिखेंगे एक दूसरे से, सो फ्यूज्ड कार्पल कैन बी सीन, ठीक है। सो किसी भी तरह का अरेंजमेंट आपको दिख सकता है। गाइनोशियम इज द वर्ल, इस वर्ल में क्या है, कार्पल्स है, और कार्पल्स जो है वो किसी भी अरेंजमेंट में हो सकते हैं, सिंगल है तो मोनोकार्पलरी अरेंजमेंट है, मल्टीपल है तो मल्टीकार्पलरी अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिंगल कार्पल है, मोनोकार्पलरी, मल्टीपल कार्पल है तो एपोकार्पस से सिन कार्पस यानी कि फ्री या फ्यूज कोई भी अरेंजमेंट रह सकता है। तो ये है हमारे पास अरेंजमेंट की बात, बट यहाँ पे हमें जो डिटेल में डील करना है वो है कार्पल का स्ट्रक्चर। तो कार्पल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसा अरेंजमेंट है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल कुछ इस तरीके से रहेगा। सो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं एक सिंगल कार्पल का। तो हमारे पास एक कार्पल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो एक ब्रॉड सा बेस होता है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली एक स्वोलन पार्ट होता है जो बेस पे होता है और जो थैलेमस से जुड़ा होता है लाइक दिस, ठीक है। सो हमारे पास ये तीन पर्टिकुलर पार्ट है, जिसमें से सबसे पहला है ये ब्रॉड बेस। इस ब्रॉड बेस को कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द ब्रॉड बेस टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। जितने भी पोलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिग्मा पे सेटल करते हैं ताकि वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर सके। सो हमारे पास स्टिग्मा इज द पार्ट और ब्रॉड बेस टू रिसीव पोलन्स। तो ये रिसीव करता है पोलन्स को, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है स्टाइल। दिस इज द स्टाइल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टाइल जो है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जहां से पोलन ट्यूब पास करती है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब क्या है, किस तरीके का अरेंजमेंट है,
वो सब हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो स्टाइल जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स अप टू द स्वोलन पार्ट। तो ये स्वोलन पार्ट जो आप नीचे देख रहे हो, ये स्वोलन पार्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स द मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज ओवरी। तो ओवरी जो है वो स्वोलन पार्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये ओव्यूल्स जो है वो ही है हमारे पास मेन स्ट्रक्चर जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, जहां पे सारे फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो एक बेसिक अरेंजमेंट बना देते हैं। तो हमारे पास ओवरी जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। एक बेसिक अरेंजमेंट बना रही हूं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है हमें, डिटेल स्ट्रक्चर भी बात करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, द कवरिंग ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर आप कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देख पाओगे, थ्री सेल्स ये आए, उसके बाद थ्री सेल्स आपको नीचे की तरफ यहां पे दिखेंगे। ये कौन कौन से सेल्स हैं, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम कंप्लीट होने के बाद, एंड अल्टीमेटली दिस टू सेल्स इन बिटवीन। सो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट दिखेगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। सो इसी पार्ट को, यानी कि अब ओवरी वाले सेक्शन को हम फोकस करेंगे और इसी को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो बात करते हैं ओवरी की। तो ड्रॉ करते हैं एक बेसिक अरेंजमेंट ऑफ ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या रहता है, लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के नाम से मैं इस टॉपिक को हेडिंग दे रही हूं। तो अब है क्या हमारे पास, दिस इज द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। मैं एक इस तरीके से ओवरी बना रही हूं कि उसमें एक सिंगल ओव्यूल है। वैसे हमारे पास ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेसेंटा हो सकते हैं, बट मैं एक सिंगल ओव्यूल पार्ट पे फोकस करते हुए ये डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से क्या है, ये ओवरी का वॉल है लाइक दिस, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्ट ले रही हूं, दिस पर्टिकुलर एरिया। अब ये आ गया हमारे पास द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। इस प्लेसेंटा से निकलता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और हमारे पास ये आ गया ओव्यूल। ओव्यूल मैं इन्वर्टेड बना रही हूं, ठीक है, एंड दिस इज द कवरिंग ऑफ ओव्यूल जो हमने उस डायग्राम में भी बनाया है। डायग्राम में हमने ये पार्ट नहीं बनाया है ना, दिस पार्ट द प्लेसेंटा वन। सो अब ये है हमारे पास द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, दो लेयर्स की कवरिंग होती है मेनली, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हमारे पास दो लेयर्स रहती है कवरिंग की ओव्यूल में, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारे पास थ्री सेल्स, कॉलिमिनर अरेंजमेंट है नियरली, ठीक है। उसके बाद बीच में दो सेल्स रहेंगे वहां पे डायग्राम में जैसे बनाए हैं, दीज टू सेल्स, एंड अल्टीमेटली वी हैव थ्री सेल्स हियर, दीज आर द टू सेल्स। इन टू सेल्स से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर बना रही हूं जो बेस पे बनेगा, ठीक है, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखेंगे डायग्राम, हर एक पोर्शन जो है ध्यान से देखना है। और ये आ गया एक पीछे से ये सेल, ठीक है। सो ये है स्ट्रक्चर। तो अब होता क्या है, अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो एक स्वोलन पार्ट है, ठीक है। इस स्वोलन पार्ट के अंदर क्या रहता है, एक कैविटी रहती है, कैविटी यानी कि लॉक्यूल। सो द स्वोलन पार्ट हैज लॉक्यूल, लॉक्यूल यानी कि कैविटी, ठीक है। सो दिस लॉक्यूल यानी कि कैविटी जो है इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर दैट इज ओव्यूल, ठीक है। सो ओव्यूल जो है, ये मैच्योर ओव्यूल जो आप देख रहे हो, ये मैच्योर ओव्यूल है। सो इस ओव्यूल में
क्या है हमारे पास, पर्टिकुलरली आप देख रहे हो एट सेल्स हैं, ठीक है। सो दिस एट सेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओव्यूल इज द मैच्योर ओव्यूल। तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ग्लोक्यूल में है, कैविटी में है। तो इस कैविटी में जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे हो, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल के साथ जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच लिंक्स प्लेसेंटा टू द ओव्यूल। और जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे दिस ये फ्यूनिकल जुड़ा होता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उस पार्ट ऑफ ओव्यूल वॉल को कहा जाता है हाइलम। हाइलम इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच कनेक्ट ओव्यूल टू द फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा को किसके साथ जोड़ता है, प्लेसेंटा को जोड़ता है ओव्यूल के साथ। सो इट लिंक्स प्लेसेंटा टू ओव्यूल, ठीक है। एंड प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हाइलम जो है वो पार्ट है which is joined to funicle. It's a part of your ovule which is joined to funicle. ठीक है, so ये है हमारे पास यहां तक का arrangement. ठीक है, so locule के अंदर अभी ovule है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले outer से inner की side जा रहे हैं। आउटर साइड में आप देख पा रहे हो दो लेयर्स कवरिंग की। सो ये जो कवरिंग आप देख पा रहे हो, इन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। दिस वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस वन इज आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटेग्यूमेंट। तो दो इंटेग्यूमेंट्स रहती हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में, दो कवरिंग्स रहती हैं, ठीक है। और ये इंटेग्यूमेंट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। हमारे पास ये जो एक एंड है, इसे माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। यहाँ पे एक पोर होता है, दैट इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग और डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, यू कैन से। सो यहाँ पे एक पोर क्रिएट होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो माइक्रोपाइल इज द पोर, और जिस साइड पे हमारे पास ये माइक्रोपाइल रहता है, उस एंड को, उस ओव्यूल के उस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। एंड द अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज द चिलाजल एंड, ठीक है। ये चिलाजल एंड है अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, और ये माइक्रोपाइलर एंड है जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास कवरिंग का। अब कवरिंग के अंदर क्या रहता है, कवरिंग के अंदर हमारे पास रहता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो ये हमारे पास सैक है जहां पे पूरा स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, यहाँ पे सारे सेल्स का अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड के स्ट्रक्चर्स की बात, सेल्स की बात करते हैं। तो ये वाला सेल जो आपको दिख रहा है एक सिंगल अलग सा, ये है एग सेल। और जितने भी सेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे वो सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक है, मियोसिस के बाद बने हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, उस दौरान आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। तो उसके बाद ये एग सेल है, और एग सेल के साथ दो सेल्स और होते हैं जिन्हें साइनर्जिट्स कहा जाता है। सो दीज आर साइनर्जिट्स, दो साइनर्जिट्स होते हैं, ठीक है, दो साइनर्जिट्स होते हैं, और दोनों जो है वो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। जैसे मैंने कहा, जितने भी सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या है, सारे हैप्लॉइड नेचर के हैं। और साइनर्जिट्स में आप ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे बनाए थे, दिस इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, इट्स फंक्शन इज टू गाइड पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग सेल। एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए मेल गैमेट्स चाहिए। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे सेटल होते हैं, तो सेटल होने के बाद पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो पोलन ट्यूब के थ्रू जब मेल गैमेट्स यहाँ पे आएंगे, माइक्रोपाइलर एंड तक आएंगे, तो मेल गैमेट्स को पोलन ट्यूब लेकर आ रही, तो पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ गाइड भी तो करना है एग सेल की तरफ। तो मेल गैमेट्स को एग सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो इस फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। इट गाइड्स पोलन ट्यूब towards micropylar and ultimately to the egg cell. So its function is to guide pollen tube. Pollen tube को guide करता है, ठीक है। So इसका function है ये। So ये हो गया हमारे पास तीन cell जो micropylar end में है, और यहां पर आपको दिख रहा है
सेंट्रल सेल, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली सेंट्रल सेल होता है, एक सेंट्रल सेल है जिसे जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई से बना है। तो हमारे पास सेंट्रल रीजन में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक सेंट्रल सेल है, सेल एक है, न्यूक्लियाई दो है, ठीक है, ये बात समझने वाली है। हमारे पास सेल एक है, न्यूक्लियाई दो है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से पहले ये दो न्यूक्लियाई भी मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। सो सिंगल सेंट्रल सेल है, टू पोलर न्यूक्लियाई है। तो हमारे पास अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे पास ये सेवन सेल स्ट्रक्चर बनता है और एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को देखोगे, सो ये ओव्यूल जो है इट इज एक्चुअली सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से अरेंजमेंट, और अल्टीमेटली चलेजल एंड पे ये तीन सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। अगेन ये सेल्स भी हमारे पास हैप्लॉइड है। तो हमारे पास सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, उसके बाद साइनोजिट्स और एग सेल्स, सब हैप्लॉइड नेचर के हैं। तो ये है पूरा एक्चुअल अरेंजमेंट ओव्यूल का। तो ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर जो कैविटी है जिसे लॉक्यूल कहा जाता है, उसके अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, और जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल जुड़ा है उसे हाइलम कहा जाता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्टेड ओव्यूल जिसको कवर करती है दो इंटेग्यूमेंट्स, एंड अल्टीमेटली अंदर सैक है, और सैक के अंदर हमारे पास सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट है। चलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो साइनर्जिट्स, एंड एक एग सेल रहेगा, यानी कि तीन सेल्स यहाँ पे हो गए, एंड बीच में एक सेंट्रल सेल रहेगा जो दो न्यूक्लिया से बना है जिन्हें पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। सो बट ये स्ट्रक्चर बनने के लिए ना मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। उस मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझने के बाद हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि इतने सारे सेल्स बने कैसे, ठीक है। सो इन स्ट्रक्चर्स को, इस प्रोसेस को डील करते हैं। तो बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। So, बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्म करता है मेगास्पोर्स को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। और ये मेगास्पोर्स अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो सैक के अरेंजमेंट को, जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सेवन सेल्स थे और एट न्यूक्लियस थे, वही स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस है। तो अभी मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझना है तो सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बात करनी है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या रहता है, मेगास्पोर मदर सेल बिल्कुल रिलेट करते हुए चलेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात की थी, है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है, मदर सेल्स जो कि डिप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मियोसिस करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, मियोसिस करना शुरू करते हैं। तो मियोसिस वन के कंप्लीट होते ही वो क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर डायड बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर डायड यानी कि दो सेल्स बनेंगे बिल्कुल मियोसिस मेगास्पोर। सो हमारे पास बिल्कुल मियोसिस वाला प्रोसेस फॉलो होगा। मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास दो सेल्स बनते हैं जो रिडक्शनल डिविजन के साथ होते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस आप देख लो। तो मियोसिस वन जब कंप्लीट हुई तो हमारे पास मेगास्पोर डायड बन गया, और ये डायड में जो दो सेल्स बनेंगे तो हमारे पास वो क्या होंगे, हैप्लॉइड नेचर के। और इसके बाद हमारे पास क्या बनेंगे, मेगास्पोर टेट्राड, जो कि अगेन हैप्लॉइड होंगे, है ना। अब चार सेल्स बन गए, दो से चार सेल्स बन गए। तो अब हमारे पास मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होते ही डायड टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन हमारे पास, हमने अभी देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग सेल अवेलेबल था वो एक ही था, ठीक है। तो अब यहां तक की कहानी जो है उसको समझते हुए डायग्रामेटिकली देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या हुआ, क्यों हमारे पास एक ही एग सेल रह गया, और उसके बाद ये सेवन सेल्स कैसे बने और एट न्यूक्लियस कैसे बने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, बीच में एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली एक मेगास्पोर मदर सेल रहता है, ठीक है, विच रिमेन सराउंडेड बाय सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। तो न्यूसेलर सेल्स जो है वो सराउंड करके रखते हैं इस मेगास्पोर मदर सेल को,
ठीक है। सो इस मेगास्पोर मदर सेल को सराउंड करके रखते हैं कौन से सेल, म्यूसेलर सेल। दिस इज म्यूसेलस एंड दिस इज दिस वन इज द मेगास्पोर मदर सेल। सो ये मेगास्पोर मदर सेल जो है अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा किस प्रोसेस से, मियोसिस वन से। सो मियोसिस वन होगी और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास डायार्ड बन जाएगा और डायार्ड के बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा, टेट्राड बन जाएगा। सो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास ऐसे चार सेल्स बन जाते हैं। और याद रखेंगे हमारे पास और भी सेल्स होते हैं नॉर्मली स्ट्रक्चर में। मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन जो है वो होती है माइक्रोपाइलर एंड में, जो सेल डिटरमाइन होता है मेगास्पोर मदर सेल बनने के लिए वो माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है, ठीक है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड का कोई एक सेल, जो नॉर्मली आप इमेजिन करो कि ओवरी के अंदर कैविटी है, कैविटी में सेल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, पूरा स्टफ्ड है वो सेल्स है वो कैविटी। तो माइक्रोपाइलर एंड पे कोई एक सेल जो है उसने क्या किया, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा। सो दिस इज लेट्स से द कैविटी, ठीक है, सो दिस इज द कैविटी। सो हमारे पास एक कैविटी है यानी कि ओव्यूल की कैविटी है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स भरे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत सारे सेल्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स नॉर्मली दो होती हैं, ठीक है, ये पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे। सो हमारे पास दो इंटेग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, दो लेयर्स आ गई लाइक दिस, फाइन। सो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे कोई एक सेल होगा, वो उसको सिग्नल मिलेगा दैट यू हैव टू डेवलप टू द मेगास्पोर मदर सेल। अब तुम्हें नए सेल्स और बनाने हैं, गैमेट की फॉर्मेशन करनी है, तुम मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो जाओ। तो हमारे पास क्या होगा, कोई एक सेल जो है वो जेनेटिकली सिग्नल मिलते ही अल्टीमेटली डेवलप होना शुरू हो जाएगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि यहाँ पे बीच में कहीं मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉर्मली मैंने छोटा सेल बनाया तो थोड़ा बड़ा होगा जैसे डायग्राम के हिसाब से। सो इस तरीके से हमारे पास एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाएगा और उसको सराउंड कर रहे होंगे न्यूसेलर सेल्स, तो बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट है। तो ये सारे सेल्स जो है जो आपको स्टफ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है न्यूसेलर सेल्स, ठीक है। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जब इस मेगास्पोर मदर सेल ने अल्टीमेटली डिविजन की तो हमारे पास क्या बन गया, मियोसिस वन हुई। तो पहले डायार्ड बना था, दो सेल्स बने थे और अल्टीमेटली अब टेट्राड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इनको क्या सराउंड कर रहे होंगे, इनको सराउंड कर रहे होंगे हमारे न्यूसेलर सेल्स, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास न्यूसेलर सेल्स इनको भी सराउंड कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स के केस में जब फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा तो न्यूसेलर सेल्स का क्या होता है। न्यूसेलर सेल्स जो है कुछ केसेस में डीजनरेट हो जाते हैं, कुछ केस में वो रिमेनिंग वहीं पे रहते हैं, रेमनेंट रहते हैं वहां पे। तो उनके बारे में भी एक उनके उनसे रिलेटेड भी एक डिफरेंट टर्म है जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूसेलर या तो परसिस्ट करता है या तो डीजनरेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो डिफरेंट केस है। बट अभी न्यूसेलर सेल्स जो है वो इस टेट्राड को, जो अल्टीमेटली मेगास्पोर टेट्राड बना है आफ्टर कंप्लीटिंग द मियोसिस प्रोसेस, तो उसको सराउंड कर रहे हैं। सो दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोस मियोसिस। तो आफ्टर कंप्लीट मियोसिस हमारे पास क्या बन गया, मेगास्पोर्स का टेट्राड। अब आप बोलो कि मेगास्पोर्स बन गए बट हम अभी भी बात कर रहे हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था 7 सेल 8 न्यूक्लियस वो तो बने नहीं, 4 सेल्स 4 न्यूक्लियस है। मेगास्पोर टेट्राड में जितने भी सेल्स हैं प्लॉइड हो गए क्योंकि मियोसिस हुई है, ये भी बात मान ली। तो आगे का प्रोसेस, तो आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। अब जो ये टेट्राड बना है ना, तो ये टेट्राड जो है उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली 3 सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे एंड 1 सेल अंडरगोस माइटोसिस। अब एक सेल रह जाएगा, वो माइटोसिस करेगा टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस। अब ये बात समझने वाली है, इसमें से ये जो 3 सेल्स हैं कोई वो डीजनरेट हो जाएंगे। सो डीजनरेशन ऑफ 3 सेल्स,
सो डीजनरेशन हो जाएगी थ्री सेल्स की, तो इन तीन सेल्स में डीजनरेशन हो जाएगी, जो नियरली हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे है वो सेल जो है वो मेनली बचता है, बाकी थ्री सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे। और हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं वो सेम डायग्राम नियरली बना रही हूँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है, कुछ इस तरीके से सैक बनाया गया है। उस सैक में अब क्या होगा, हमारे पास एक सेल ये है, ये बच गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक है। माइटोसिस में सिंगल स्टेप नहीं, सो इस तरीके से माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। सो माइटोसिस के बाद कितने बन गए, दो डॉटर सेल्स बन गए। अब आप बोलो कि दो हैप्लॉइड सेल्स बन गए हमारे पास, मेगास्पोर जो थे वो हैप्लॉइड थे, माइटोसिस के बाद इक्वेशनल डिवीजन होती है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, राइट। सो हैप्लॉइड दो सेल स्टेज आ गई, बट यहां पे नहीं रुकेगा प्रोसेस, हमारे पास और प्रोसेस होगा, और डिवीजन होगी, दो से चार, चार से आठ, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो अल्टीमेटली माइटोटिक प्रोसेस होता है, तो हमारे पास अभी पूरा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस का होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सो हमारे पास इस तरीके से आठ सेल्स बनते हैं। ठीक है, जो अल्टीमेटली अरेंज हो जाते हैं किस अरेंजमेंट में, ओव्यूल के अरेंजमेंट में, वही ओव्यूल। अब यही जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एट सेल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एट सेल स्टेज जो आई, एट सेल स्टेज जो है वो अल्टीमेटली रीअरेंज होगी और ओव्यूल का पूरा इंटरनल अरेंजमेंट बनाएगी, ठीक है। वो इंटरनल अरेंजमेंट किस तरीके से था, एक बार बेसिक रिकॉल दे देते हैं स्ट्रक्चर को। हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था बाबू, लाइक दिस। ये आ गई हमारी इंटेग्यूमेंट्स, द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, राइट। सो दो इंटेग्यूमेंट्स रहती हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में, ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये दो लेयर्स ही फिर अल्टीमेटली सीड कोट बनाती है आपका। सो अब ये आ गए दो सेल्स यहाँ पे, साइनर्जिड्स, एक आ गया एग सेल, तीन यहाँ पे अरेंज हो गए, ठीक है। ये तीन यहाँ पे अरेंज हो गए, बीच में आ गया पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई आ गए, सेल कंबाइन हुआ है, एक सेंट्रल सेल रह गया, दो पोलर न्यूक्लियाई बन गए, एंड तीन एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे अरेंज हो गए, हो गए एक न्यूक्लियाई, और ये सारे हैप्लॉइड है क्योंकि हैप्लॉइड सेल के माइटोसिस के बाद ये बने। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो की होती है हमारे पास ओवरी के अंदर, और अब ये ओव्यूल तैयार हो गया है, अभी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। जब पोलन ट्यूब यहां तक पहुंचेगी मेल गैमेट्स को लेके, तो एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। अब पोलर न्यूक्लियाई क्यों फर्टिलाइज होंगे, ये कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन का, तो हम डिस्कस करेंगे इसे फर्टिलाइजेशन के साथ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में।